हेलो मेरे फैमिली, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। देखो मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ एंड इस चैनल पे अब कमाल के वीडियो आने वाली है एंड देखो हिडन प्लस की वीडियो भी आने ही वाली है। अब देखा इस चैनल पे हिडन प्लस की वीडियो आएगी एंड ना टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगी। तो देखा फटाफट अभी लोग जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना एंड देखा मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हो उनसे मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि हर एक 3 दिन के बाद वीडियो आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एंड देखो हिडन प्लस की वीडियो आएगी, हिडन प्लस की वीडियो रुकने वाली नहीं है एंड तुम लोग को बताएगा कि तुम्हारा भाई यार हिडन किंग है। हिडन तो ऐसे से बताएगा ना कि तुम्हारा दिमाग एकदम घूम जाएगा। तो देखा फटाफट ना अब वीडियो, अभी तो जो लोग लाइक नहीं किए लाइक करना, चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करना मेरे से अब देरी। सो 10 का हिडन प्लेस ये रहा। अब देखो ये प्लेस ना बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन यार देखो बहुत गजब वाला हिडन प्लेस टेरिटरी बता रहा हूं। अब देखो यहां पर जैसे मैं वॉल लगा रहा हूं ना, अभी ऐसे लगा लेना एंड बहुत इजी ना जंप करते करते इस रूप के ऊपर बहुत इजी आराम से चले जाओगे। अब तुमको पता ही होगा कि जब यहां पे आ जाते हो तो कैसे एक एक करके इनमें किल करते जाओगे। अब देखो यार जिनको नहीं पता होगा देखे जो, तो यहाँ पे जब आ जाओगे ना तो हेडशॉट यार लगाना अगर जानते हो तो बहुत ही आसानी से हेडशॉट लग जाएंगे एंड यहाँ से हेड बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे होते हैं एंड जो एनमी होते हैं वो हमारे नीचे होते हैं तो उनका हेड बहुत ईजी से कनेक्ट हो जाता है। एंड देखे जो तो यहाँ पे एक नहीं दो नहीं पूरे स्क्वाड को मैं वाइप आउट करता हूँ, बहुत ईजी यहाँ पे क्वार्टर विक्ट्री में कर लेता हूँ। नाइन नंबर हेडर प्लस ये देखो यहाँ पे वर्क करता है क्योंकि ये भी प्लेस ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऑब्जर्वेटरी प्लेस ना भाई बहुत ज्यादा ये हट के हो चुका है क्योंकि देखो यहाँ से हम सिर्फ एक ही गुलवा लगाकर हम ऊपर चले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे दो दो गुलवा लगाने पड़ेगा, जैसे मैं गुलवा लगा रहा हूँ सिंपल से आप भी ऐसे लगा लेना। आप देखो फर्स्ट टाइम लगाओगे तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से लगा लोगे। देखो पहले गुलवा तो सिंपल है लगाना, उसे बहुत ही आसानी से लगा दोगे, लेकिन जो सेकेंड गुलवा ना उसे थोड़ा देख के लगा देना एंड देखो बहुत ईजी जंप करते करते आप बहुत ईजी यहाँ पे जंप करोगे। एंड देखो यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल है तो बहुत ईजी उस इनविजिबल वॉल पे जंप करके आप बिल्कुल रियल प्लेस पे आ जाओगे। अब यहाँ तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हो, लेकिन यहाँ पे भी रहोगे तो बहुत इजी हेडशॉट कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखो एक बंदे को बहुत इजी नॉक कर देता, सामने दो बंदे थे, सामने दोनों बंदों को बहुत इजी हेडशॉट लगा के खत्म कर दिया एंड यहाँ पे बहुत इजी विक्ट्री करा देता। वर्क करती है पीक प्लेस पे एंड देखो जो प्लेयर जो बंदे ना यहाँ पे वोगों का यूज करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये मसल ट्रिक होने वाला है। अब देखो आप यहाँ क्या करना, फटाक से यहाँ पे ना अपने एबिलिटी को यूज कर लेना। अब जैसे हुकोंग बन जाओगे ना तो जो सामने वाले बंदे होते उनको एकदम 1% भी पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे हुकोंग बने हुए एंड जब वो बंदे एयर ड्रॉप लूटने आएंगे तो बहुत इजी हेडशॉट लगा देना। और देखो एक बंदे को हेडशॉट लगा के ना फटाफट यहाँ से फाइट भी ले सकते हो। तो देखो अगर अनफाइट लेना नहीं चाहते हो तो फटाफट यहाँ से निकल के भाग सकते हो, लेकिन देखो यहाँ मैं फाइट लेने आ जाता हूँ एंड बहुत इजी एक नहीं दो ने बहुत इजी बंदों क्लियर करने लगता हूँ एंड कुछ मेरे टीममेट आकर मेरा एक किल चोरी कर लेते हैं, लेकिन मैं 3 किल के साथ विक्ट्री करा देता हूँ। एंड गाइस मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में बात भी करते हैं कि भाई एक ही प्लेस पे 10 हिडन प्लेस बनाओ ना, तो मैं उसे बता ये देना चाहता हूँ कि देखो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो देखो उस वीडियो में जितने भी हिडन प्लेस बताया ना वो अभी भी सही है, तो जाकर उनको भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक प्ले लिस्ट का ना तुमको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहां पर टाइप करके जाके बहुत ही आसानी से देख सकते हो। देखने वाले नंबर 7 का हिडन प्लेस। अब देखो ये जो नंबर 7 वाला हिडन प्लेस है ना, इस हिडन प्लेस का यूज करने के लिए आगे पास ना एक लॉन्ग रेंज का वेपन होना चाहिए एंड यहाँ से बहुत इजी आप एनमी किल कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जॉयस्टिक का भी यूज करना पड़ेगा कवर लेने के लिए। अब देखो सामने से बिल्कुल ना बंदे रन करते हुए आते हुए आपको दिख जाएंगे या आपको लेफ्ट दिखेंगे या राइट दिखेंगे। अब आप इस पोजिशन पे आ जाओगे ना तो आपको बंदे किसी भी साइड से बहुत इजिली आपको दिख जाएंगे एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें कवर मिल जाता है बॉक्सेस का, तो बॉक्सेस हम कवर लगा लेंगे एंड यहाँ पे ना किसी भी साइड से कवर ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नहीं दो दो बंदों को बहुत इजी क्लियर कर चुका हूँ एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बच गया था, वो बंदा मुझे देख लिया था, लेकिन उस बंदे को किल करने के लिए मुझे नीचे उतरना ही पड़ा एंड बहुत इजी उसको भी किल करके यहाँ पे विक्टर कर लेता हूँ। तो इस ट्रिक का आप भी यूज करो एंड आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो 6 नंबर हिडन प्लेस बताने जा रहा हूँ। अब देखो ये जो नंबर 6 वाला हिडन प्लेस है ना, ये हर एक मैप में बहुत ही आसानी से आ जा रहा है। तो देखो इस हिडन प्लेस का यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे राउंड स्टार्ट होता है ना तो ये जो बनाना ट्री है ना, इस बनाना ट्री के ऊपर बहुत ही छोटा सा जंप लगाना एंड बहुत ही ये पीक वाले हाउस के ऊपर ना आप यहाँ पे आ जाओगे। अब ये जो हाउस है ना इसके ऊपर आप बहुत इजी लेट सकते हो, हाँ लेटना ही ट्राई करना, क्योंकि लेट कर ट्राई करोगे तो आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ से ये यह होता है ना कि इनमें बहुत इजी आपको स्पोर्ट नहीं कर पाते एंड लेकिन आप इनको बहुत इजी स्पोर्ट कर पाते हो एंड बहुत इजी उनको क्लियर कर पाओगे। अब देखो जैसे आपको इनमें यहाँ पे दिख जाना तो फटाक से यहाँ पे लेट जाना, नहीं तो आप यहाँ पे ना उठ के बैठ के बहुत इजी आराम से क्लियर कर सकते हो एंड हमने तो बहुत इजी यहाँ पे पूजा कर ही लिया। नंबर
नंबर 5 वाला जो हिडन प्लेस है ना, इस हिडन प्लेस का देख कर ना आपका दिमाग बिल्कुल हिलने वाला है। बोलोगे भाई ये क्या हिडन प्लेस बता दिया, आप देखो इस हिडन प्लेस कैसे यूज करना। इसके लिए आपका मैनुअल 2 ग्लोल होना चाहिए एंड जैसे मैं ग्लोल लगा रहा हूं आप भी सिंपल से लगा देना एंड बहुत ही हेडशॉट बंदूक लगाओगे। आप देखो यहां पे ना जैसे मैंने लगाना सिंपल से लगाना एंड ये बहुत ज्यादा आसान है लगाना, लेकिन ये जब ट्रिक अप्लाई करो ना तो फटाफट अप्लाई कर लेना एंड बहुत ही आसानी से आप यहां पे आकर कवर में खड़े हो जाना। आप देखो ये बहुत मस्त कवर है, यहां पे अगर कवर में रहोगे ना तो आपको एनिमी किधर से भी देख नहीं पाएगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे एक नहीं दो नहीं तीन बंदे बिल्कुल मेरे सामने हैं, लेकिन वो बंदे मुझे नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने मैच में यहाँ तक आया ही नहीं होगा, इस प्लेस के ऊपर आया ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ना किसी बंदे का ध्यान वैसे आने ही वाला नहीं है। तो देखो ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो एंड गाइस देखो यार जो लोग चैनल न्यू हो ना प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, और भी आगे ऐसे हिडन प्लेस बताने वाला हूँ तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर देना। सो अब चलते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ में। सो अब मैं आपको नंबर 4 वाला हिडन प्लेस बताने जा रहा हूँ। अब देखो ये जो हिडन प्लेस है ना बहुत ही ज्यादा गजब का, लेकिन देखो अपडेट के बाद ना एक चीज यहाँ पे चेंज हो चुका है कि जोन काफी ज्यादा जल्दी चला आता है। तो देखो ये ट्रिक जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फटाफट आप अप्लाई कर लेना एंड बहुत ही चीज नीचे ग्लोअर लगा देना एंड यहाँ से ना जंप करके फटाक से यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ से देखे तो पूरे अराउंड एरिया जितना भी आपके सामने है ना उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे बहुत इजी ना सिर्फ बैठ कर बहुत इजी एनिमी किल कर दोगे, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि अपडेट के बाद ना यहाँ पे जोन थोड़ा जल्दी चला आता है। तो यहाँ पे फटाफट ना एक एनिमी को किल करके या दो एनिमी किल करके आप पूरे एनिमी का लोकेशन देख के फटाफट यहाँ से नीचे उतर जाना, या आप रहकर भी किल कर सकते हो बट यहाँ पर जब जोन आए ना तो फटाफट यहाँ से आप निकल जाए। अब हम देखने वाले नंबर 3 वाला हिडन प्लेस। अब देखना ये वाला हिडन प्लेस ना कहोगे भाई तुमने कैसे किया, आप देखो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक शॉर्ट रेंज गन एंड एक लॉन्ग रेंज गन रख लेना अपने सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ट्रक के ऊपर जंप कर रहा हूँ, आप भी जंप कर लेना एंड जंप करते करते आप बहुत ही आप यहाँ लेट जाओगे। अब देखो बिल्कुल जो सामने से बंदे आते हैं उनको भी बहुत ही क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेरे टाइम में सामने से बंदे नहीं आ रहे थे, वो बंदे यही भी फाइट कर लेते हैं, तो उन बंदों को बहुत ईजी क्लियर कर लेता हूँ एंड उन बंदों को खुद नहीं पता चल रहा था उनको डैमेज कहाँ से पड़ा है एंड मैं बहुत ईजी 3 किल के साथ विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड गाइस आपको पता ही होगा कि हमारा सीएस रैंक का न्यू सीजन जल्दी ही आने वाला है, तो आपको हिडन प्लेस के साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का एंड वहां पे जाकर उस प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देख सकते हो। सवार 2 नंबर का हिडन प्लेस वर्क करते हैं रियल प्लेस पे एंड मैं आपको बहुत सारे बंदे से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि किस मैप पे हिडन प्लेस चाहिए, तो कुछ बंदे ना नेक्स्ट मैप के ऊपर बोले थे, तो देखो इसे कुछ नेक्स्ट मैप का हिडन प्लेस भी ला दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आओ ना तो बंदे खड़े होंगे, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना स्टेयर के ऊपर जंप करने के लिए। अब देखो स्टेयर के ऊपर जंप करोगे ना तो यहाँ पे आप ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, कोई बंदा अगर वहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसे बहुत इजी क्लियर कर दोगे एंड यहाँ पे देखो जिस पॉइंट से जिस डायरेक्शन से मैं जा रहा हूँ ना आप उसी डायरेक्शन से रश करोगे तो आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे एनिमी के ऊपर रस कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे एक नहीं दो बंदे थे, तो फटाफट सामने बंदूक फटाक से क्लियर किया, फटाक से नीचे जम गया एंड फटाक से एक और बंदू यहाँ पे खड़ा था, तो इसको बहुत ही क्लियर कर दिया। इसी टाइप से कुछ रस करना यहाँ पे, ये रस करने का तरीका काफी ज्यादा सही है। अब फाइनली बारी आ चुकी है नंबर 1 वाला हिडन बेस। अब ये देखो ये एक हिडन बेस है ना, हमेशा ऑल द बेस्ट रहेगा एंड इससे बेस्ट भाई कोई नहीं है, कोई नहीं मीन्स कोई भी नहीं है, लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप बस एक ग्लोल होना चाहिए एंड यहाँ पे लॉन्ग रेंज वेपन होना चाहिए, ये दो चीज बस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब यहाँ पे जैसे मैं ग्लोल सेटअप कर रहा हूँ आप भी सिंपल सेटअप कर देना, फटाक से ग्लोल के ऊपर जंप करना, फटाक से रूप के ऊपर जंप करना एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इससे बेस्ट हिडन प्लेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस प्लेस के लिए। अब देखो ये ना बहुत ज्यादा बेस्ट प्लेस है एंड इसी बात पे प्लीज वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो क्या करो सब्सक्राइब जैसे कर देना एंड देखो प्ले लिस्ट में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहां से उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड कमेंट करके ये बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ एंड ऐसे और वीडियो में देखना चाहते हो सब वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो करना ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड पास में शेयर जरूर से कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते किसी और मजेदार से वीडियो के अंदर।